हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे होंडा हाइनेस के बारे में, क्यों आपको ये मोटरसाइकिल खरीदना चाहिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रो है इस मोटरसाइकिल में वो है इसका मोबाइल एप्लीकेशन। बहुत सारे रिव्यूअर्स इसके बारे में कभी बात नहीं करते हैं, बट ये इतना अच्छा मोबाइल एप्लीकेशन है इसका कि एक सेपरेट वीडियो डेडिकेट होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि इसका जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो इतने अच्छे से बनाया होंडा वालों ने कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन, राइड का इन्फॉर्मेशन, अगर बाई चांस मैं अगर टूरिंग कर रहा हूँ या हाईवे पर चलाना हो और मैं गाने सुन रहा हूँ मेरे ब्लूटूथ हेडसेट पे, तो डेफिनेटली अगर मुझे चेंज करना है तो मैं हैंडल बार के बटन से उसको चेंज कर सकता हूँ। नेविगेशन का ऑप्शंस है, तो ये फीचर यूज़ करने के बाद आप डेफिनेटली, आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा फीचर ये, और ये ओनली DLX प्रो मॉडल में ऑफर किया गया है। क्योंकि जिन लोगों को ड्यूअल कलर अच्छा नहीं लगता वो लोग नहीं ले सकते ये ऑप्शन, बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्लूटूथ उतना खास नहीं है, अच्छा नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ब्लूटूथ ऑप्शन लेने का अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो वो ले लो, क्योंकि बहुत बहुत काम का चीज़ है। और जिस तरह से होंडा ने इस ऐप को बनाया है, हैट्स ऑफ टू देम। और ये चीज़ मैं आपको एक दूसरे वीडियो में क्लियरली बताऊंगा कि क्या क्या फीचर्स इस ऐप में अवेलेबल है। अभी दूसरा है प्रो। ये सब चीज़ों के बारे में लोग यूजुअली बात नहीं करते, ये सब बेनिफिट्स के बारे में। मैं इसीलिए बोलना चाहता हूँ ताकि ओनर्स को पता रहे कि ऐसे सब चीज़ें हैं इस बाइक में जो आपको पसंद आएगा। सेकंड जो चीज़ मुझे इस मोटरसाइकिल में बहुत अच्छा लगता है वो इसका एक्यूरेट फ्यूल इंडिकेटर। इस सेगमेंट में या कोई भी दूसरे सेगमेंट में अगर आप मोटरसाइकिल देखोगे तो फ्यूल इंडिकेटर का रीडिंग का कभी कभी इनएक्यूरेट वैल्यूज दिखाते हैं, कभी कभी इशू होता है, बट होंडा हाइनेस में ये प्रॉब्लम मुझे कभी भी फेस नहीं करना पड़ा है, क्योंकि इसका जो फ्यूल इंडिकेटर है वो बहुत एक्यूरेट है और रेयरली गलत वैल्यू दिखाता है। और इसमें आपको रेंज का भी ऑप्शन मिल जाता है, और इसका जो फ्यूल इंडिकेटर का रीडिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है, मच बेटर देन एनी अदर बाइक इन द सेगमेंट। ये मैं पर्सनली बहुत बार चेक किया तो मुझे ये डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा इस बाइक पे। थर्ड चीज़ मुझे जो बहुत अच्छा लगा इस मोटरसाइकिल में वो है इसकी हेडलाइट्स। इसका जो LED हेडलाइट्स है वो बहुत अच्छा से इल्यूमिनेट कर देता है। अब ये ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी आपको ऑक्सिलरी लाइट्स नहीं ज़रूरत नहीं पड़ेंगे और हाईवे में बहुत अच्छे से काम करता है, बट जब मैं बाकी बाइक से इसको कंपेयर करता हूँ जो ऑलरेडी मार्केट में है उसके हिसाब से ये मोटरसाइकिल का जो हेडलाइट है स्टॉक वो बहुत अच्छा है, और वो भी LED हेडलाइट्स। आपको रेट्रो मोटरसाइकिल्स में LED हेडलाइट्स नहीं मिलते हैं। ये सोचते हैं कंपनी की LED लाइट्स देने से वो रेट्रो लुक ख़राब हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हाइनेस वो LED लाइट से ना रेट्रो और मॉडर्न टच में एक बहुत अच्छे से बैलेंस क्रिएट करता है, और ये इसका जो LED हेडलाइट है वो बहुत अच्छे से काम करता है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि इतना अच्छा हेडलाइट कंपनी वाले ऑफर कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए। नेक्स्ट चीज़ के बारे में अगर मैं बोलूँगा आपको, अगर आप पहली बार जब बिग बिंग जाओगे आप वहाँ पे मोटरसाइकिल देखोगे, सब प्रीमियम क्वालिटी के मोटरसाइकिल्स है, जो क्वालिटी लेवल जो उन लोग ने मेंटेन किया बहुत हाई है, तो एक प्रीमियम शोरूम में जब आप जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा बाइक खरीदने के बाद ना सर्विस कॉस्ट भी उतना ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसका जो सर्विस सेंटर है वो भी सेपरेट है, और आपको जो होंडा एक्टिवा जहाँ पे सर्विस होते हैं वहाँ पे तो सर्विस ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट जब मैं सर्विसिंग का कॉस्ट देखा तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि जो जहाँ पे आपके सर्विस टेक्नीशियंस है वो लोग बहुत अच्छे से ट्रेंड है और उन लोग को पता है बाइक के बारे में बहुत अच्छे से। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, रॉयल एनफील्ड से भी अच्छा इसका सर्विस एक्सपीरियंस रहेगा। कम है सर्विस सेंटर्स, बट जो एक्सपीरियंस है वो आपको रॉयल एनफील्ड से भी अच्छा लगेगा। बट एक और चीज़ ये है कि वो लोग जो ऑयल यूज़ करते हैं और जो क्वालिटी का वो लोग इक्विपमेंट और कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं बाइक में, उसके हिसाब से सर्विस कॉस्ट बहुत कम है। आपको फ्री सर्विस 1400 से 1500 से ज़्यादा नहीं आएगा, विच इज़ एग्जैक्टली मैं नहीं बोलूँगा मैं, बट वेरी सिमिलर टू रॉयल एनफील्ड मीटियोर। आपको एक मैं बात बताता हूँ, उनके जो जितने बड़े मोटरसाइकिल्स हैं जैसे 40 लाख या 30 लाख के जो मोटरसाइकिल्स है, अफ्रीका ट्विन हो या गोल्ड विंग, ये सारे मोटरसाइकिल्स के भी सर्विस कॉस्ट बहुत कम है, इसीलिए लोग दुनिया भर होंडा खरीदते हैं, क्योंकि जो BMW है या ट्रायम्फ है जो महंगे मोटरसाइकिल्स है उनका सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, बट होंडा ऐसा कभी नहीं करता है, उनके कस्टमर्स को एक बहुत अफोर्डेबल सर्विस ऑप्शन देता है और अच्छे क्वालिटी के साथ। इसीलिए होंडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग टू व्हीलर इन द वर्ल्ड। इनके वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाइएस्ट सेलिंग टू व्हीलर ब्रांड है होंडा, और इसका सर्विस ऐसा अगर ऑफर करेंगे तो डेफिनेटली और लोग आके इसको खरीदेंगे। नेक्स्ट इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है वो इसका वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एक मोटरसाइकिल में। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक मोटरसाइकिल है जो
200 किलो का है और 200 किलोज आप जब चलाते हो तो आप वेट फील करोगे ना, तो उसका वेट मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बट इस मोटरसाइकिल में जब आप इसको चलाओगे नहीं, इसको आप जब मूव भी करोगे तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं पता चलेगा इसका, बिल्कुल फील नहीं होगा वेट। ये बहुत अच्छा चीज़ लगा मुझे, जिस तरह से वेट मैनेज किया पूरा बॉडी में, जहाँ जहाँ वेट आपको फील होगा ना वो इस लाइक नॉन एग्जिस्टेंट। आप राइड कर रहे हो, अगर आपको टर्न लेना है या अगर आप एक यू टर्न लेना चाहते हो, यूजुअली जब बड़े मोटरसाइकिल्स होते हैं यू टर्न लेने के टाइम आपको वेट फील होता है, बट जब मैं CB350 में यू टर्न भी ले रहा था तो मुझे इतना लाइट फील हो रहा था मोटरसाइकिल। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाईवे में आपको लाइट फील होगा, हाईवे में बहुत स्टेबल होता है और हैवी मोटरसाइकिल है। बट आप जब सिटी में चलाते हो तो ऐसा लगता है आपको कि आप कोई नॉर्मल सा एक सिंपल सा मोटरसाइकिल चला रहे हो, जैसे 150 सीसी का भी ऐसा लगता है कभी कभी आपको। और अगर आप बिगिनर हो, अगर आप पहली बार बाइक खरीद रहे हो, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट बाइक रहेगा, क्योंकि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसको समझने के लिए, क्योंकि आपको इसमें गियर इंडिकेटर मिलेगा और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और जिस तरह से इसका वेट मैनेज किया है वो बहुत अच्छा है। और ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब हाईवे पे भी चलाते हो ना, तो आप जब टर्न लेते हो हाई स्पीड पे, तभी बहुत कंपोजर मेंटेन करता है, बहुत स्टेबल तरीके से मैच्योर्ड वे में ये टर्न लेता है। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत खास लगा इस मोटरसाइकिल में, और ये एक साइन है कि ये बहुत अच्छे से इंजीनियर किया हुआ मोटरसाइकिल है और बहुत काम किया है होंडा ने इसके ऊपर डेफिनेटली। नेक्स्ट बेनिफिट है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जब पहली बार मैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखा तो छोटा सा जो स्क्रीन था, तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मजाक है ये, क्योंकि इतने छोटे स्क्रीन में क्या दिखता है। बट जब मैं पहली बार लाइव जाके जब इसको चलाया और जब यूज़ किया, मैं आपको बता देता हूँ इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में नहीं मिलेगा। डेफिनेटली छोटा तो है बट आपको देखने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना छोटा नहीं है कि आपको दिखेगा नहीं। एंड डेफिनेटली आपको मैं एक बात बताता हूँ, इसका ये लोग है ना रेट्रो लुक मेंटेन करना चाहते थे। एक वो लोग अगर डिजिटल डिस्प्ले दे देते ना तो उसका रेट्रो लुक चले जाता, तो वो लोग ने क्या किया, वो एक नीडल वाला टैकोमीटर दिया है, नीडल का जो एनालॉग स्पीडोमीटर दिया वो लोग ने। और ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एनालॉग स्पीडोमीटर अच्छा लगता है, बट उसके साथ एक छोटा सा डिस्प्ले दिया है जहाँ पे भर भर के इन्फॉर्मेशन दिखाता है आपको। बैटरी वोल्टेज का इंडिकेटर दिखाएगा, उसके बाद रेंज, उसके बाद दो ट्रिप मीटर है, और उसके बाद रेंज भी दिखाता है। ये सब चीज़ों के बारे में ना जब कैलकुलेट करोगे आपको पता चलेगा ये सब चीज़ें ऐसा है ना कि आप इसको डेली यूज़ कर सकते हो, एवरीडे यूजेज में काम आने वाला चीज़ है ये। सो डेफिनेटली इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, देखो मीटियोर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी अच्छा है, बट इतना इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कोई भी मोटरसाइकिल में नहीं मिलेगा इस सेगमेंट में, आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और जब आप इसको चलाओगे तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये इन्फॉर्मेशन अगर होता तो कितना अच्छा रहता, बिल्कुल नहीं। आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए वो छोटे से डिस्प्ले में क्लियरली दिख जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप डिलक्स प्रो वेरियंट लोगे ना, तो उसको आपके हैंडल बार में बटन जो है दिया हुआ है उससे कंट्रोल कर सकते हो, तो ये बहुत बहुत अच्छा चीज़ है और मैं इस चीज़ को 100% एक पॉइंट दूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइडिंग ट्रायंगल। ये सब बहुत सा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसका राइडिंग ट्रायंगल कैसा है, इसका राइडिंग पॉस्चर कैसा है इस मोटरसाइकिल का। आपको एक मैं बात बता देता हूँ, इसका राइडिंग ट्रायंगल और इसका राइडिंग पॉस्चर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप पूरा दिन टूरिंग करते हो या बहुत देर के लिए मोटरसाइकिल चलाते हो, तो आपके लिए ना बहुत कंफर्टिंग और रिलैक्सिंग होगा ये बाइक, क्योंकि कहीं पे भी आपको ऐसा प्रेशर नहीं लगेगा, आपके रिस्ट में कभी आपको प्रेशर नहीं आएगा, हाथ में प्रेशर नहीं है, बैक भी काफ़ी स्ट्रेट रहेगा, तो आप पूरा दिन टूरिंग कर सकते हो। और सिटी में भी अगर ग्रॉसरी अगर आपको सामान लेके आना है और कभी कभी आप सिटी में ही चलाते हो, तो भी आपको बहुत ईजी और अच्छा लगेगा। और जो पिलियन बैठता है ना, उसके लिए भी एक सीट ऐसा दिया है जैसा लगता है कि एक्टिवा का सीट है, इतना बड़ा सीट है, इतना कंफर्टेबल सीट है। तो ऐसा चीज़ है ना ये, तो बहुत काम का चीज़ है, डेफिनेटली एक इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, वो जो मुझे अच्छा लगता है इस मोटरसाइकिल में वो है इसका कंफर्ट। आप पूरा दिन चलाओ इस मोटरसाइकिल को, हाँ शायद सीट का जो फोम का मटेरियल है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता था, बट आप पूरा दिन चलाओ, इतना कंफर्टेबल और इतना रिलैक्सिंग है, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरे को एक ही इसका एक टेंशन था, क्योंकि मैंने जितने भी होंडा के मोटरसाइकिल चलाए, मैं आपको बोल देता हूँ बहुत सारे मोटरसाइकिल्स मैंने चलाए होंडा के, और मुझे हमेशा एक प्रॉब्लम होता था, उनका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो सॉफ्ट होता था और रेयर का जो सस्पेंशन है वो हार्ड होता था।
ये चीज के वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था होंडा के मोटरसाइकिल से, बट मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि CB350 में यही होगा, रिव्यूअर्स यही बोल रहे थे, तो मैंने को लगा यार यही प्रॉब्लम अगर होगा तो कैसे चलेगा, होंडा को ये रिजॉल्व करना चाहिए। बट चलाने के बाद मुझे पता चला इसका सस्पेंशन इतना सॉफ्ट, इतना कंफर्टेबल और कंप्लायंट है कि आप बैड रोड्स या गड्ढे में भी लेके जेके जाओगे ना तो अच्छा कंपोजर मेंटेन करता है, और इतना सॉफ्ट नहीं है कि आप हाईवे पे चला रहे हो तो आपको कंपोजर नहीं मिलेगा। इसका बैलेंस काफ़ी अच्छा है और ये एक ऐसा चीज़ है इस मोटरसाइकिल का जो आप डेफिनेटली अप्रिशिएट करोगे। और आपको एक बात बता देता हूँ मैं, इसका एक सीक्रेट है इसका सस्पेंशन सॉफ्ट करने के लिए, मैकेनिक से मैंने बात किया उनसे, उन्होंने मुझे समझाया, ये एक वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, आप शॉक हो जाओगे, आपको कोई टूल का ज़रूरत नहीं, आप हाथ को यूज़ करके इसका सस्पेंशन का सेटिंग चेंज कर सकते हो। डेफिनेटली आपको उसका मैं एक वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ऐसे वीडियोस आपको अगर चाहिए तो। नेक्स्ट मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा इसमें, जब मैं 90-100 पर भी लेके गया मोटरसाइकिल तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था कि 90-100 पर मोटरसाइकिल बहुत अच्छे से स्टेबल होता है हाई स्पीड में। आप पूरा दिन टूरिंग करोगे 90-100 पर, ना कोई वाइब्रेशन आएगा आपको इंजन से, आप कंफर्टेबली क्रूज कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है इस मोटरसाइकिल का, तो डेफिनेटली होंडा को एक प्लस पॉइंट है इसके। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, वो है सर्विस सेंटर और क्वालिटी। जिस तरह से मुझे एक्सपीरियंस हुआ सर्विस सेंटर में वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग क्या कर रहा है, कुछ भी आप पूछ सकते हो बाइक के बारे में कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, वो डेफिनेटली वो लोग अच्छे से रेस्पॉन्स देंगे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कभी कभी कि मैं जाता हूँ सर्विस सेंटर में, सर्विस वालों से बात करने लगता हूँ क्योंकि मेरा नॉलेज थोड़ा सा अलग है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है, क्यों करते हो, तो वो आंसर नहीं कर पाते। बट यहाँ पे मुझे ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, डेफिनेटली वो लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, उनको दे आर वेल एजुकेटेड, वो लोग क्या कर रहे हैं उनको पता है, तो वो एक चीज़ के लिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस के लिए मैं एक पॉइंट दूंगा होंडा को। नेक्स्ट वो पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा हुआ है इसका, पिलियन कंफर्ट। आपको पिलियन से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक तो पिलियन का सीट हाइट बहुत कम है तो आराम से वो चढ़ सकते हैं और बैठने के बाद उनको कभी कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। कभी भी कोई भी कंप्लेंट आएगा तो डेफिनेटली आपको एक पिलियन कंफर्ट के हाइट के वजह से आ सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चढ़ के बैठने में कोई इशू नहीं होगा हाईनेस में। और सीट का जो जगह है बैठने के लिए वो भी काफ़ी अच्छा है, सरफेस एरिया भी काफ़ी बड़ा है, तो डेफिनेटली एक पॉइंट दूंगा मैं हाईनेस के लिए इस चीज़ के ऊपर। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा, एक चीज़, कोई भी रेट्रो लुकिंग मोटरसाइकिल में मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होता है, और ये लोग सोचते, सब लोग सोचते हैं कि यार अगर रेट्रो बाइक में मॉडर्न टेक्नोलॉजी देंगे उसका वो लुक एंड फील खराब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाइनेस एक एग्जांपल है, पूरे मोटरसाइकिल में आपको जहाँ पे भी लाइट दिखेंगे सारे LED है, तो वो एक बहुत अच्छा चीज़ है क्योंकि LED लाइट्स एक तो बहुत इफेक्टिव है और जो लुक है उसको भी एनहांस कर देता है। तो हाइनेस ने कहीं पे भी ऐसा चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, द LED ब्लिंकर्स एंड द LED डे टाइम रनिंग लाइट्स बहुत अच्छा दिखता है, और इस रीज़न की वजह से लोग आपको देखते हैं और पूछते हैं मोटरसाइकिल कौन सा है। तो डेफिनेटली सारे मैन्युफैक्चरर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी देना चाहिए, मॉडर्न फीचर्स देना चाहिए, बट रेट्रो लुक भी वो मेंटेन कर सकते हो, उसका उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एक पॉइंट है जो बहुत सारे लोगों को पता रहना चाहिए, ऑल द गाइस जो टूरिंग करते हैं, इसका जो टैंक है वो मेटल है, तो बहुत अच्छा चीज़ है ये। पूरे मोटरसाइकिल में आपको हार्डली कोई प्लास्टिक पार्ट दिखेगा, पूरा का पूरा जो मोटरसाइकिल है यहाँ पे मेटल है, फ्रंट का जो मड गार्ड है, पीछे का मड गार्ड है, सारा चीज़ मेटल है। आपको मैं गिन के बोल सकता हूँ कि कितना प्लास्टिक पार्ट्स है इसमें। मीटियोर में अगर आप देखोगे तो मडगार्ड तो प्लास्टिक है, उसमें प्लास्टिक पार्ट थोड़ा ज़्यादा यूज़ हुआ है, बट ये एक सॉलिडली बिल्ड पूरा मेटल मोटरसाइकिल है। तो वो बहुत लोग जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जैसे उनको मेटल वाला मोटरसाइकिल चाहिए, तो ये चीज़ उनको अच्छा लगेगा क्योंकि हाइनेस में बहुत ज़्यादा मेटल यूज़ हुआ है। इस मोटरसाइकिल का जो माइलेज है वो काफ़ी सरप्राइजिंग है और बहुत अच्छा है, 42-43 का माइलेज देता है इतना पावर होने के बाद, क्योंकि इस मोटरसाइकिल में सबसे ज़्यादा पावर है, आपको मैं बता देता हूँ, 30 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क कोई मोटरसाइकिल प्रोड्यूस नहीं करता इस सेगमेंट में, इतना होने के बाद भी काफ़ी अच्छा माइलेज प्रोवाइड करता है। कभी भी कोई भी हाइनेस ओनर से पूछो, वो लोग माइलेज के लिए कभी कंप्लेन नहीं करेंगे। तो एक ऐसा मोटरसाइकिल जो इतना पावर भी प्रोड्यूस करता है, इतना माइलेज भी देता है, क्लियरली इट शोज दैट इट्स एन ओवर इंजीनियर्ड मोटरसाइकिल। हैंडलिंग इस मोटरसाइकिल का काफ़ी मैच्योर्ड है और काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप जैसे अगर जावा चलाओगे या आपको ऐसा फील आएगा कि आप एक स्पोर्टी मोटरसाइकिल चला रहे हो, तो उसका एक बहुत एग्रेसिव है, वो एक्सपेक्ट करता है कि राइडर को उस स्पोर्टी वे में चलाना चाहिए, तो आपको एक फीलिंग आता है कि आप उस मोटरसाइकिल को एग्रेसिवली चलाओ। बट ये जो हाइनेस है ये बहुत मैच्योर्ड है, बहुत आराम से आप चलाओ और आपको ऐसा फील भी नहीं होगा आपको भगाना है, आप इसके मोटरसाइकिल को चला के रिलैक्स करते रहोगे, और आप उसके हिसाब से हैंडलिंग काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, काफ़ी मैच्योर्ड है। जब भी आप टर्न लेते हो हाईवे में, बहुत अच्छे से अपना लाइन मेंटेन करके टर्न ले सकते हो मोटरसाइकिल में, क्योंकि इसका हैंडलिंग और जो चैसी है वो बहुत प्रेडिक्टेबल है, और उसको समझने के लिए आपको
डेफिनेटली ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये एक चीज है जो मुझे काफी अच्छा लगा हाइनेस में। इस मोटरसाइकिल का जो पेंट क्वालिटी है ना वो जस्ट आउटस्टैंडिंग। आप मैट पेंट ले लो या ग्लॉसी लो, इसका जो पेंट क्वालिटी, आपको तो पता ही है कि होंडा के मोटरसाइकिल्स में जो पेंट क्वालिटी है दैट इज जस्ट अनबिलीवेबली गुड। कभी भी कोई भी मोटरसाइकिल आप देखोगे, कितना भी अगर वो चीप मोटरसाइकिल भी, एक्टिवा भी देखो, उसका जो पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी होता है हमेशा अच्छा होता है। यहाँ पे भी आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसका जो हाइनेस का जो बिल्ड। अभी पेंट क्वालिटी बाकी मोटरसाइकिल से तो अच्छा ही है इसका डेफिनेटली, बट मैं ये बोल रहा था कि जितने भी बाकी के मोटरसाइकिल्स हैं होंडा के उनके भी पेंट क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है, बट ये एक अलग लेवल पे आता है, दूसरे लेवल पे आएगा ये इसका पेंट क्वालिटी। एंड आई रियली लाइक द कलर्स दैट आर अवेलेबल फॉर दिस बाइक। जो ग्रीन कलर है जो मैट में और ब्लैक कलर ड्यूअल वाला विथ सिल्वर फिनिश लुक्स रियली नाइस। तो आप चूज कर सकते हो कोई भी कलर, आपको पेंट क्वालिटी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस मोटरसाइकिल का जो गेयरबॉक्स है वो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी प्रिडिक्टेबल है। अगर आप यूज़ कर रहे हो इस गेयरबॉक्स को, कभी आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये बटर जैसा शिफ्ट होता है, इट्स वेरी इजी टू शिफ्ट गियर्स ऑन दिस। बट एक प्रॉब्लम है, मेरे कॉन्स वाले वीडियो में मैंने बताया नहीं है, भूल गया था मैं। अगर आपने कॉन्स वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दैट एज वेल। कॉन्स वाले वीडियो में मैंने ये बात बोलना भूल गया था कि इसका जो हील एंड टो शिफ्टर है वो इतना लंबा है कि मेरा 9 नंबर का शू में भी दोनों जगह पे मैं पैर नहीं रख सकता, तो बहुत वियर्डली उसको डिज़ाइन किया है। बट जो इसका जो गेयरबॉक्स है ये जस्ट टॉप नॉच, कभी भी ऐसा फॉल्स न्यूट्रल या कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मीटियोर का गेयरबॉक्स भी काफ़ी अच्छा है और हाइनेस का भी गेयरबॉक्स बहुत अच्छा है। आप पूरा दिन शिफ्ट करने का मन करेगा आपको चलाने के टाइम, क्योंकि इतना स्मूथ और इतना स्लिक गेयरबॉक्स है इसका। नेक्स्ट चीज़ मुझे जो अच्छा लगा मोटरसाइकिल में, कोई भी हैवी मोटरसाइकिल जो होता है जिसका वेट बहुत ज़्यादा होता है उसमें ब्रेक्स बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स जब होता है तो वो बाइक आपको एक कॉन्फिडेंस देता है जब बाइक रुक जाता है, क्योंकि हैवी मोटरसाइकिल्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ क्लासिक 350 में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि इतना हैवी और इतना बड़ा मोटरसाइकिल में ब्रेक्स उतना इफेक्टिव नहीं लग रहा था मुझे। बट इसके जो ब्रेक्स है, आपको ड्यूअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और स्लिपर क्लच, ये सारे चीज़ है ना एक साथ आपको हेल्प करेगा बाइक को रोकने के लिए। आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा जब आप इसके ब्रेक को यूज़ करोगे, यू हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हेन यू स्टॉप द बाइक। सो ये चीज़ है जो इसका जो हैंडलिंग हो जाए या चैसी, इसका ब्रेकिंग, जिसका जो डायनामिक्स है वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल है। आपको है ना ये नहीं करेगा कि ये बहुत एग्रेसिव है यार, क्या रिएक्ट कर रहा है, आपको ऐसा नहीं बोले, ये बहुत प्रिडिक्टेबल वे में रुक जाता है। आपको पता चल जाता है यार ये बाइक रुक जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस देता है। बट ऐसा भी नहीं है कि इसका ब्रेक्स एकदम से रुक जाता है, डेफिनेटली बहुत अच्छे से काम करता है। इट हैज़ अ वेरी नाइस फील एंड अ बाइट, तो वो चीज़ मुझे इस मोटरसाइकिल में बहुत अच्छा लगा। और इसका रेयर ब्रेक भी काफ़ी अच्छा है, यूजुअली बाइक्स में रेयर ब्रेक में उतना अच्छा बाइट नहीं रहता है, बट इसमें काफ़ी अच्छा है एंड ब्रेक्स सुपर्ब। आई रियली लाइक द ब्रेक्स ऑन दिस बाइक। इतने पावरफुल मोटरसाइकिल और इतना हैवी मोटरसाइकिल को रोकने के लिए अच्छा ब्रेक चाहिए, बट होंडा ने इस चीज़ को अच्छे से नोटिस किया है एंड दे हैव गिवन रियली गुड ब्रेक, सो आई अप्रिशिएट देम फॉर। जो स्विच गियर है यहाँ पे जो दिया है, ये सेम स्विच गियर आपको बाकी के उनके बड़े मोटरसाइकिल्स में ना वही यही सेम क्वालिटी के स्विच गियर दिखेंगे। क्योंकि जब आप बिग विंग में गया था टेस्ट राइड के लिए, जब मैं देखने गया था कि बाइक के बारे में बात करने गया था उनके डीलरशिप में, तब मुझे बुलाया गया था, तो डेफिनेटली जब मैं चलाने के टाइम गया तो देखा कि बाकी के जितने भी मोटरसाइकिल्स शोरूम में जो रखे थे उनके भी स्विच गियर ऐसे ही थे। तो इतना अच्छा क्वालिटी का स्विच गियर आपको कोई भी इस सेगमेंट में नहीं देगा। ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतना पैसा दे रहे हो तो एट द सेम टाइम आपको अच्छा क्वालिटी भी मिल रहा है, तो आप कभी भी आपको अच्छा लगेगा कि यार जो क्वालिटी ऑफर किया है दैट इज़ जस्ट आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट चीज़ के बारे में शायद मुझे बात करना भी नहीं चाहिए ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि आप दुनिया भर के सारे लोग आपको ये बोलेंगे। इंजन का जो रिफाइनमेंट है इज़ जस्ट आउटस्टैंडिंग। मतलब आप इन मोटरसाइकिल को चलाओ और कोई भी दूसरा बाइक चलाओगे तो आपको लगेगा कि सब बाइक्स वाइब्रेट होता है, कभी भी आपको ऐसा फील। और मैं ये सोच रहा था कि यार ये जब इतना वाइब्रेशन नहीं हो रहा तो मज़ा नहीं आएगा चलाने के लिए, क्योंकि आपको कभी कभी इंजन फील होना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो लोग सोचते हैं और ये जो लोग बकवास कर रहे हैं कि यार इंजन में कोई फील नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, मुझे लगता है ये बकवास है, क्योंकि इसका जो एग्जॉस्ट है वो काफ़ी लाउड और बेसी है। तो जब एग्जॉस्ट इतना अच्छा आपको इनपुट देता है, रिएक्शन देता है आपके थ्रॉटल को, तो डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा। तो यही तो है इसका कैरेक्टर। आपको क्यों वाइब्रेशन चाहिए, क्योंकि वाइब्रेशन एक टाइम पे ठीक था, बट अभी सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आया है तो वाइब्रेशन हट जाना चाहिए। तो इंजीनियरिंग अच्छा होगा तो डेफिनेटली ये नहीं बोलेंगे यार वाइब्रेशन ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे वो है इसके इंजन एरिया का फिनिशिंग। स्पेसिफिकली जस्ट इंजन एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। आप जब मोटरसाइकिल देखने जाओगे ना तो बस आप इंजन एरिया को नोटिस करो अच्छे से। एक भी आपको पैनल गैप या कोई भी मतलब ऐसा अनफिनिश्ड एरिया नहीं दिखेगा बाइक के इंजन एरिया में। नेक्स्ट पॉइंट है टैंक कैपेसिटी। इसका टैंक कैपेसिटी काफ़ी अच्छा है, इस ऑन पार विद मीटियोर। मीटियोर का भी 15 लीटर है, इसका भी 15 लीटर है। बट कोई लोग मुझे कांटेक्ट करके बोल रहे थे कि इसका 15 लीटर नहीं 17 लीटर है, बट मैं कंपनी के हिसाब से बोल रहा हूँ कि कंपनी इतना क्लेम करता है कि इसका 15 लीटर का टैंक है, तो डेफिनेटली अच्छा आपको रेंज देगा इसका, क्योंकि इसका माइलेज भी काफ़ी अच्छा है। लास्ट पॉइंट है इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो है इसका पावर। एक तो इसका 30 न्यूटन मीटर का पावर है, ठीक है वो एक हम बाजू रख देते हैं, बट इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये, क्योंकि जितने भी पावरफुल मोटरसाइकिल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा पावर होता है, बट ये मैटर होना चाहिए आपको कि वो किस आरपीएम बैंड में अवेलेबल है, कौन से आरपीएम में आपको वो सारा टॉर्क आप फील कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी भी आप जाओगे शोरूम में बोलोगे कि इसके पावर कितना है, अच्छा ये सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, ये बाकी बाइक से पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो मैं ये बाइक खरीदूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये देखना चाहिए कि वो किस रेव बैंड में वो पावर को प्रोड्यूस करता है। हाईनेस प्रोड्यूस करता है 3000 टू 3500 आरपीएम पे, तो इतने लो आरपीएम में इतना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है ना, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे। V350 के बारे में बात करूँ तो मैं प्रोस और कॉन्स बना लिया सारे बाइक्स के, अभी जावा का हो गया, अभी हाईनेस का हो गया, अभी इसका भी मीटियोर का भी मैंने बना दिया है। अभी मैं खुद इतना कंफ्यूज था कि मुझे अभी बैठ के एनालिसिस करना पड़ेगा, और आपको मैं फाइनल वर्डिक्ट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल के, क्योंकि मैं तीनों बाइक्स को कंपेयर करके प्रॉपर एनालिसिस, अब जो अगर मेरे चैनल को आप देखते हो वीडियोस तो आपको पता रहेगा मैं किस तरह से एनालिसिस करता हूँ, तो मेरा वो फाइनल वर्डिक्ट होगा और इस चैप्टर को हम क्लोज कर देंगे। उसमें मैं बताऊंगा आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हो खरीदने के लिए प्लीज़ वेट, क्योंकि नया वीडियो आने वाला है। टिल देन गाइज ड्राइव सेफ, प्लीज़ स्टे सेफ एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।